एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो दूसरे कमरे में आई हूँ। बहुत ही चिल्ला चिल्ला के रो रहे हुए सवेर से। मम्मी उसको खाना दे रहे हैं लेकिन वो नहीं खा रहा है और भूखा है, क्योंकि मम्मी उसके ऊपर चिढ़ चुकी है। मम्मी थोड़ी चिड़कू टाइप की है, मेरे ऊपर भी चिढ़ गई है। और आज मम्मी ने मेरे मुँह पर पानी फेंक के मुझे उठाया, प्रॉब्ली 8:30 बजे। फिर भी मैं उठी 8:40 को, 10 मिनट लेट होने के बाद। और अभी है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में है हमारे पास प्लेन डोसा एंड चने की सब्जी। दिस एक्चुअली स्मेल सो गुड। इसमें आई थिंक करी पत्ता एंड ऑल दिया मम्मी ने, हाँ पत्ता दिया है। आई थिंक इसके लिए अच्छा स्मेल हो रहा है। जो बैकग्राउंड वॉइस है उसको इग्नोर करना, दादी और मम्मी बातें कर रही। तो या मैं अभी खाने वाली हूँ मेरा खाना। तो अभी मैं खा रही हूँ मेरा खाना एंड आई हूँ दूसरे रूम में, खा रहा है अपना खाना। बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रही हैं, क्यों? हाँ तो अभी से खाने के बाद मिलती हूँ। मैं अभी आई हूँ पढ़ने मेरे रूम में, खाने के बाद पढ़ रही थी मैं अभी। और मेरे रूम में कोई स्पेशल सो रहा है। भाई स्पेशल नहीं, हमारा पुराना प्यार रूम आयू। मुझे बहुत अच्छा लगता है आयू जो मेरे रूम में सोता है, मैं पढ़ाई करती हूँ। और मम्मी को लगता है कि लाइक मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं, वो आयू चेक करता है। मैं अभी रोबोटिक्स चैप्टर पढ़ रही हूँ, उसके बाद जो चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है उसको बैठ के बहुत प्रैक्टिस करूँगी। एंड मुझे लाइक लास्ट एग्जाम के टाइम है ना, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है, सच बताओ तो। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगा 5 में और उसके बाद हम लोग जाएंगे। मैं अभी तक डेट तो रिवील नहीं की हूँ, बहुत लोगों को अगर पता होगा तो पता होगा। बट सो एक्साइटेड आई एम सुपर डुपर 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 एक्साइटेड। क्योंकि हम लोग पता है मैं कहीं इतना घूमने जाती हूँ नहीं, लेकिन कभी भी अगर जाती हूँ तो लाइक बहुत एक्साइटेड होकर जाती हूँ। मैं पूरे ईयर में लाइक एक बार ही घूमने जाती हूँ, एक या फिर दो बार। पिछले ईयर दो बार चले गए थे क्योंकि तब आ रही हूँ था इसलिए, और अभी तो आ रही हूँ नेदरलैंड्स में इसलिए एक बार जाएंगे। तो पूरे ईयर लाइक एक ही टाइम होता है जब मैं ट्रैवल करके कोई दूसरे स्टेट जाती हूँ, वरना मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग करती नहीं। बट मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, इधर उधर जाने का शौक है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरा पढ़ाई होता है, फिर शूटिंग होता है और मम्मी पापा का ऑफिस होता है। मम्मी शूटिंग करती है तो फिर कौन ये लेकर जाएगा मुझे, तो इसलिए चलो फिर भी मैं अभी पढ़ती हूँ। पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं है बट पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज एग्ज़ाम है, लास्ट वाला एग्ज़ाम है। आई थिंक कंप्यूटर कम मार्क्स का होने वाला है, 40-50 मार्क्स का होने वाला है, बिकॉज हमारा प्रैक्टिकल प्रोबेबली 20 मार्क्स का और एक्टिविटी 10 मार्क्स का। तो 80 से अगर 30 जाता है तो होता है 50 होता है ना ऑब्वियसली, तो 50 मार्क्स का होगा। या फिर अगर वो सारा मिक्स करके फिर 40 अगर हो जाए तो मार्क 40 भी हो सकता है। एनीवे बच्चा हो, मैं पढ़ती हूँ, कुछ फन नहीं कर पाए हम आज, बट नो वरीज पढ़ लेते हैं। एक्चुअली अगर मैं मम्मी से थोड़ा डांट सुनूँ तो शायद से पढ़ने का मन कर सकता है। चलो देखते हैं, मम्मी को ना ऐसे कुछ बोलते हैं जैसे वो मुझे डांटते हैं। ए मम्मी क्या कर रही हो? खाना पानी नहीं पीऊंगी, बिल्कुल नहीं 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 क्यों नहीं पीऊंगी? क्या 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 आपने मुझे दिया जो मैं पीऊँ? इसीलिए क्या दिए मतलब क्या दिए हो मतलब Thank you.
आकर आ चुकी हूँ और पढ़ूंगी अभी थोड़ी देर बाद। मुझे आज ना बहुत नींद सा रहा है, तो क्योंकि मम्मी ने सुबह मेरे मुंह में पानी डाल के मुझे उठाया। क्यों? ये वाला ड्रेस प्रियांशी ने खरीदा है मुझे, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मामी इसमें थोड़ा सा मोटी दिख रही है इसलिए, बट फिर भी ठीक ही दिख रहा है। फिटिंग कर दूंगी थोड़ा, तुम बोल रहे हो। मतलब ये फ्रंट का ये वाला डिजाइन जो है वो मुझे थोड़ा सा मतलब कॉमन लगा, कुछ खास नहीं लगा। मम्मी को अगर पसंद आए तो मम्मी रख सकती है। अच्छा लग रहा है कि इसके पैंट में पॉकेट है, और तुम जानते हो प्रियांशी जिसमें पॉकेट होता है तुम्हारी मम्मी को वो अच्छा लगता है। मम्मी को हर एक चीज जिसमें पॉकेट होता है। हाँ, मम्मी को कोई फटा टूटा चीज भी दे दो उसमें पॉकेट है सिला हुआ, तो मम्मी वो ले जाएगी। और आयु ना परेशान कर रहा है सुबह, अभी सो गया है। मेरे भाई को ऐसे क्यों बोल रही हो? ये सब क्या? ये उसका ब्रश करता है ना, उसका तो है ना एक फिंगर में लगाने वाला, वो तो थोड़ा बड़े होने से। हाँ, ये बड़ा हो गया, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो करेगा। उसको बस बोतल में दूध मेरे लिए कुछ लेकर आना, ठीक है? जाओगी जनरल श्रेष्ठ? क्या कुछ मतलब क्या? वो कुछ का फील करो, जैसे चिप्स चॉकलेट जूस आइसक्रीम सब। हे भगवान, चिप्स चॉकलेट जूस आइसक्रीम। मैं बस चिप्स चाहती हूँ, और चॉकलेट भी, और जूस भी, और आइसक्रीम भी। हेलो मामा। तो मम्मी आने के बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मम्मी मिले क्या लाई है। मेरा फेस अगर आज थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है तो बोल रहा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने आज ना मेरा फेस में मुल्तानी मिट्टी लगाई है, इसलिए थोड़ा सा अगर ग्लोई ब्राइट दिख रहा है तो मुझे बोल देना प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, मम्मी वापस आ चुकी है दुकान से, और अभी मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि मम्मी क्या क्या लाई है। लेट्स होप मम्मी मेरे लिए कुछ लाई है। ये है मैगी, कप नूडल्स, एक और कप नूडल्स, पनीर बटर मसाला। देखे खाने का उनका है, बट हम लोग जब जर्नी करेंगे उसके लिए ये। और आयु रो रहा है बैकग्राउंड में, डोंट माइंड दैट। टेस्टी पीनट्स, मैगी, ठीक है, पंजाबी मसाला पापड़, दूध, और क्या, शैम्पू, तो मम्मी दही को फ्रिज में रख दो। हाँ, दही एंड प्रोबेबली इतना सारा चीनी क्या करेगी मम्मी। उसके बाद मेरे पास से कुरकुरे पॉपकॉर्न, देन नटरन नवरत्न मिक्सचर, आयु के लिए बेबी लोशन, आयु को चाहिए था मोटू सा आटा, पापा के मेडिसिन, अमूल, देन हमारे पास है दो मिनी ओरियो बिस्कुट, सब्जी नहीं तीन, एक्चुअली तीन है हमारे पास, तीन, एक और अमूल, तीन अमूल, एक विन, नमक, तेल, हाँ अंडे, ओ सॉरी लहसुन है, अंडा नहीं है, ब्रेड एंड दिस डिश, मम्मी ने उतना लाया मेरे लिए, घर के सामान डॉल उसके लिए भी। लाइटिंग को इग्नोर करना और बैकग्राउंड वॉइसेस को भी इग्नोर करना, मम्मी और दादी चपड़ चपड़ कर रहे हैं, और आज हमारे घर पे लाइन नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा लाइट की कमी है। बढ़िया, अभी आफ्टरनून टाइम है, 3:33 हो रहा है अभी, एंड अभी थोड़ा सा स्क्रीन टाइम करने आई थी। पहले थोड़ा सा मोबाइल देखूँगी फिर पढ़ूंगी, तो आई कांट बिलीव कल मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। कल स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हुआ है, हम लोग जल्दी आ जाएंगे कल, मतलब एक घंटा पहले, तो हमें मिलेगा टोटल टाइम कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए 1 hour 15 minutes प्रॉबेबली, 8 बजे से 9:30 तक। हाँ,
1 hour 15 minutes, तो 15 minutes मैं बोल रही हूँ क्योंकि बाकी जो 15 minutes है हमारा प्रेयर एंड ऑल वो सब होता है, तो इसलिए. और या बाद में मैं जब पढ़ने बैठूंगी मैं आप लोगों का व्लॉग कंटिन्यू करूंगी, आप लोगों का मेरा हमारा व्लॉग. हेलो आयु, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लोगों को हाय बोल दो. गुड इवनिंग सबको बोल दो. रोई रोई क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं करना उल्टी. आयु क्यों ऐसे बैठे हो फिर? मस्ती कर रहे हैं. दीदी से बात क्या कर रहा हूँ. मम्मी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि दीदी हमने एग्जाम के बाद कौन कौन सा वीडियो शूटिंग करेगी और क्या क्या एडिटिंग करेगी. अच्छा, क्योंकि दीदी का एग्जाम कल खत्म हो जाएगा. ये मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं दीदी के साथ खेलू खेलू कर लूंगा. अभी भी करता है. उसको इधर सुला दो तो पत्ता देख के कैसा होता है थोड़ा देखते हैं. इधर उसको मैंने सुनाया और इसको मैंने ये पत्ता देखा. हंसता रहता है. और अभी मैं चिपका देना. हाँ. दिखता है ना. सेलो टेप में ये बीचों बीच चिपकाओगे तो उसको अच्छा लगेगा. ठीक है प्रियांशी दीदी. बाप रे बाप रे. क्या लात मार दिया. हाई फाइव. फुट फाइव कर दो. फुट फाइव. क्या क्या पढ़ाई की हो? फुट फाइव. फुट फाइव. ओके. क्या क्या पढ़ाई की हो? चलो वो मैं पूछती हूँ तुमको. दोपहर सारा अक्की खाली चिप्स खाए हो? ओनली नहीं, चिप्स ओनली चिप्स नहीं खाया. पढ़ाई मतलब बोल रहे हैं कि मेरा न्यू हेयर कट बहुत ही बकवास दिख रहा है, तो क्या आप लोग अपना बाल मुझे दान कर दोगे क्योंकि मुझे मेरे लंबे बाल वापस चाहिए. मुझे मेरे लंबे बाल वापस चाहिए या फिर मैं इसको और भी छोटा कर सकती. देखा मम्मी का रिएक्शन, जैसे कि मम्मी के बाल है, मेरे बाल नहीं है. मैं अभी आयु को खेलू खेलू करवाएगी. मैं ये इंट्रोडक्शन और रोबोटिक्स चैप्टर का मम्मी को क्वेश्चन आंसर्स बोल के फ्री 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 हो जाऊंगी. फ्रेंड्स आप लोग बिलीव नहीं करोगे, फाइनली मेरे एग्जाम्स कितना वीक तक चले, 3 वीक की कष्ट और मेहनत के बाद मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं कल. ओ ये मैं बहुत हैप्पी हूँ. मेरे एग्जाम खत्म हो रहे हैं. मेरे एग्जाम खत्म हो रहे हैं. डिनर किया हम लोगों ने. टाइम हो रहा है. हम बाबू के लिए ये लाए हैं. आज लगाएंगे उसके. बाबू के लिए आज हम लोग लाए हैं विक्स बेपुरा. प्रियांशी को भी मैं ये लगाती थी बचपन में. हाँ, कर लेते उसको. मैं मेरे नाक के ऊपर थोड़ा लगा दे. क्यों तुम्हारा सिर हुआ? शेयरिंग इज केयरिंग. आई ले पकड़. हाँ तुझे तो बहुत खांसी हो रही है ना. खांसी करने की एक्टिंग कर रहा है. और मैं अभी बातें कर रहे हैं तो 10:02 कर रहा है. अभी मैं जाऊंगी, मेरा लास्ट मिनट रिवीजन करूंगी एंड बैक पैक करूंगी एंड एवरीथिंग इज गुड फॉर कल का एग्जाम. और कल मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा. सुबह जाए ना जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट कल मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहा है. वो अच्छी बात है, रिजल्ट का बाद में देखेंगे, लेकिन पहली बात एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो. एग्जाम खत्म होना इज वेरी इम्पोर्टेंट. कल प्रिया जी अच्छा अच्छा शॉर्ट्स बनाएगी, आयु का वीडियो बनाएगी. आयु का तो पहला वीडियो बनेगा क्योंकि चलो फ्रेंड्स हम लोग बैक पैक एंड अभी सब कर लेते हैं एंड बैक पैक करते हैं. ये चेयर मेरा पानी बोतल पता नहीं किस दिन से इस बैग के अंदर है.
ओडी एग्जाम 3 तारीख से, उसके अंदर है फिर एग्जाम बोर्ड, ओडिया बुक एंड कॉपीज निकाल लेते हैं, कंप्यूटर बुक कल 9:30 बजे मैं वापस आ जाऊंगी, दैट्स अ गुड थिंग, कंप्यूटर कॉपी जितना पेंस मैंने निकाले थे सब जाएंगे अभी वापस अंदर मेरे पहुँच के, मेरा रेड पेन सॉरी ब्लैक पेन और ये रहा आउच रेड पेन, नहीं चाहिए कल के लिए, माय बैग इज पैक्ड, तो चलो सुबह चलते हैं, बैग तो पैक हो गया, कल मेरा लास्ट एग्जाम, आई एम सो हैप्पी, सो होपफुली यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग, एंड अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, आई थिंक कल से आप व्लॉग्स जो थोड़े बहुत तो इंटरेस्टिंग होना शुरू करेंगे, तो या बाय बाय इन द नेक्स्ट व्लॉग, ही